नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माय हेल्थ एडवाइस। मैं रोहित। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं मेगालिस्ट 10 mg के बारे में। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, इसे किस आयु वर्ग के लोग ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं जो मेगालिस्ट 10 mg टैबलेट है, सिर्फ 4 टैबलेट के पैकेट में उपलब्ध होती है और इसे मैक्लोइड्स कंपनी बनाती है। और इसकी कीमत की बात करो तो आपको 150 के आसपास में आपको 4 टैबलेट मिल सकती है, हो सकता है इसे कम में भी आपको मार्केट में आपको मिल जाए। दोस्तों ये इसका अगर मैं कंपोजिशन में बात करता हूँ तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कंपोजिशन होता है आपको टैडालाफिन, जो कि 10 mg और 20 mg में उपलब्ध होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे कम से कम पावर में लेना शुरू करें, कम से कम 10 mg से इसको शुरुआत करें। दोस्तों ऐसे ये मेन वुमेन दोनों को दिया जाता है, लेकिन इसे लोग धैर्य से वुमेन इस्तेमाल करता है। किसी लिए यूज किया जाता है इसके बारे में बात करूं तो यह फीमेल में अगर उनकी फीलिंग खत्म हो जाए तो उसमें इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। इसको देने से उनकी फीलिंग जो है स्टार्ट शुरू हो जाती है। इस टैबलेट को अब 1 घंटा पहले जो है दूध से या पानी से या किसी जूस में इसे मिक्स करके बिना बताए भी इस टैबलेट को आप दे सकते हैं, तो 1 घंटे के बाद इसका काम शुरू हो जाता है। दोस्तों कई मामलों में देखा गया कि इस टैबलेट के जो है साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो अगर वो महिलाएं अगर बच्चों को दूध पिलाती हों और साथ ही साथ अगर प्रेग्नेंट हो तो इस टैबलेट को आप इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ अगर महिलाओं को बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम हो, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस दवाई को बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ अगर कोई और दवाइयां ले रहे हो तो उसके साथ दवाई को देने से बचना चाहिए। वैसे इस दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट जो है देखने को मिले हैं जो कि अस्थायी होते हैं, आपको कुछ देर के बाद 1-2 घंटे के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। जैसे कि सर में दर्द होना, चक्कर आना और उबकाई आना, सीने में जलन होना, पेट में जलन होना, एलर्जी वगैरह ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी की प्रॉब्लम हो। कई औरतों में या कैसे कई लोगों में इस प्रॉब्लम को देखने को मिले हैं। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको होती है तो आप किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें, और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम जो है कुछ 2-3 घंटे के बाद जो है वैसे ठीक हो जाती है। तो दोस्तों यह रहा इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों एक बार आपको और बता दूं, यह आप तभी दे जब वो वुमेन या जो लड़कियां हैं 18 साल से ऊपर हो, उससे कम आयु वर्ग के लोगों को जो टैबलेट है बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और इस टैबलेट को देने से पहले किसी डॉक्टर से सलाह ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों यह रहा इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।